ये ग्रुप की थ्योरम है, हम एक दो इसकी थ्योरम देखते हैं। तो ग्रुप, ये फर्स्ट थ्योरम इसकी अभी है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। कोई ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ये हमको प्रूव करना है, है? जो ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, थ्योरम का प्रूफ के लिए? तो ये ग्रुप है इसका, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, माना कि ये जी स्टार बी एक ग्रुप है। अब हम ये जी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, और माना वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। अब हम यहाँ, हमारे को यहाँ यूनिक प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ये यूनिक है। ये हमारी एक थ्योरम को प्रूव करने का एक प्रोसीजर रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन हम क्रिएट करके, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा तो फिर हम वो कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ यूनिक प्रूव करना है तो हम ऐसा लेके चलते हैं कि ये यूनिक नहीं है, हम इसका अपोजिट सब बोल सकते चल रहे हैं। तो अब ये इसके लिए ये है इम्पॉसिबल, ये हम एक है, ये हमारी ये ग्रुप के लिए लैंग्वेज होगी, इम्पॉसिबल लेट ए बी दी अनदर आइडेंटिटी ऑफ जी। हम ये मानते हैं कि ये स्मॉल एफ है वो दूसरा आइडेंटिटी हम मान के चल रहे हैं। अगर ये आइडेंटिटी होगा दूसरा भी तो क्या होगा, फॉर एनी ए इन जी ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, क्यों ई जी का हम आइडेंटिटी जी ग्रुप है तो ई जी का आइडेंटिटी होगा। यहाँ हमने एक दूसरा और आइडेंटिटी मानना है तो ये ए स्टार एफ इक्वल टू एफ स्टार ए इक्वल टू ए, ए भी अगर आइडेंटिटी मानते हैं तो वो भी ये आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी से, ये सेकंड इक्वेशन ए स्टार एफ इक्वल टू एफ स्टार ए इक्वल टू ए, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है। ये देखो ये इक्वेशन वन और टू जो है, सिंस वन एंड टू आर ट्रू फॉर आल आल, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं किसी सेट के होंगे उनके लिए सबके लिए ट्रू है, पर्टिकुलरली दे आर ट्रू फॉर ए इक्वल टू ई एंड ए इक्वल टू ए। जब ये सभी के लिए ट्रू है, दो ग्रुप के एलिमेंट होंगे और उस सब एलिमेंट्स के लिए ये वन और टू आइडेंटिटी जो एग्जिम्स है वो सेटिस्फाई होती है, तो ए इक्वल टू ई के लिए भी सेटिस्फाई होगी या ए इक्वल टू एफ हो तो भी सेटिस्फाई होगी। तो ये ए इक्वल टू ई और ए इक्वल टू एफ के लिए भी सेटिस्फाई मानते हैं। सब्स्टिट्यूट ए इक्वल टू एफ इन वन एंड ए इक्वल टू ई इन टू, तो ए इक्वल टू एक बार एलिमेंट ई लेके चलते हैं और एक बार एलिमेंट ए इक्वल टू एफ लेके चलते हैं, और सब्स्टिट्यूट ए इक्वल टू एफ इन वन, ए इक्वल टू एफ वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, और ए इक्वल टू ई टू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास ये इक्वेशन वन और टू क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन वन में ए इक्वल टू एफ हमने सब्स्टिट्यूट किया तो एफ स्टार ई इक्वल टू ई स्टार एफ इक्वल टू एफ, ए इक्वल टू एफ इसमें किया तो ये इक्वेशन मान लो इसको हमने थर्ड नंबर देते हैं, और सेकेंड में हम ए इक्वल टू ई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ई स्टार एफ इक्वल टू एफ स्टार ई इक्वल टू ई, और ये फोर्थ इक्वेशन। थ्री और फोर्थ ये सेम इक्वेशन है, इनका एक एक लेफ्ट हैंड साइड सेम है, फ्रॉम थ्री एंड फोर वी हैव ई इक्वल टू ए। थ्री और फोर इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड निकालते हैं, ई इक्वल टू ए, और इक्वल टू एफ है ये हमारा आइडेंटिटी था, एफ हमने दूसरा आइडेंटिटी लेके इसको चल रहे हैं और ये दोनों बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड क्या निकलेगा, देयरफॉर देयर कैन नॉट बी एग्जिस्ट अनदर आइडेंटिटी ऑफ एफ, यहाँ कोई दूसरी आइडेंटिटी एफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, हेंस द आइडेंटिटी इज यूनिक। तो आइडेंटिटी यूनिक है, किसी भी ग्रुप में उसकी आइडेंटिटी यूनिक होती है। ये एक थ्योरम थी, हम इसकी एक थ्योरम और देखते हैं, ये भी ये यूनिकनेस की थ्योरम है, तो ये आपको दूसरी थ्योरम कैसी होगी, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट
ऑफ ए ग्रुप जी स्टार इज यूनिक। अब इस थ्योरम में हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या 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 प्रूव करना हमारे को, इनवर्स यूनिक होगा, इनवर्स ऑफ एलिमेंट का किसी ग्रुप में वो यूनिक होता है। तो वही कंट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे। लेट ए बी दी एलिमेंट ऑफ जी, माना कि हमारा ए एक ग्रुप जी का एलिमेंट है, जी स्टार हमारा ग्रुप दिया हुआ है, एंड ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए, और ए इनवर्स है वो ए का इनवर्स है। पिछली थ्योरम की तरह ही ये फिर हम सपोज करते चलते हैं, इफ पॉसिबल लेट देयर बी अनदर इनवर्स ए डैश ऑफ ए इन जी, तो वहाँ ए डैश एक का एक इनवर्स और मान के चलते हैं। अगर ये ए डैश भी इनवर्स होगा और ए इनवर्स है ही है, तो इन इनवर्स की प्रॉपर्टीज है लेट ई बी द आइडेंटिटी होगी, ई उसकी आइडेंटिटी होगी, तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई, ये हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इनवर्स ग्रुप में इनवर्स होगा तो वो एलिमेंट को ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये इक्वेशन वन है जब ए का ए इनवर्स है। दूसरा इनवर्स हमने ए डैश लेके चल रहे हैं, सपोज किया है, तो ए डैश अगर इनवर्स है तो ए स्टार ए डैश इक्वल टू ए डैश स्टार ए इक्वल टू ई, सपोज ये इक्वेशन नंबर टू। तो ये हमारी इनवर्स की एक जिंच है ये वो। अब हम ये दिखाते हैं कि इनवर्स दोनों है वो सेम है तो यूनिक हो जाएंगे। हम कंसिडर करके चल रहे हैं ए इनवर्स, कंसिडर ए इनवर्स को लेके चल रहे हैं, ए इनवर्स लिया ये इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ हमने इसको ऑपरेट कर दिया ए इंटू ए स्टार ए डैश ये फ्रॉम टू, तो यहाँ हम ऑपरेट किससे कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करने पे उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ हमने ए इनवर्स को ई से ऑपरेट किया, ई इक्वल टू इक्वेशन टू से इसकी ए स्टार ए डैश, तो ये इसका ए स्टार ए डैश है। अब यहाँ सब ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो यहाँ एसोसिएटिव एग्जिम्स सेटिस्फाई होगी, यहाँ हमने एसोसिएटिव एग्जिम्स से ये क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ये एसोसिएटिविटी से ए इनवर्स स्टार ए, ये एक ब्रैकेट में आ गए स्टार ये ए डैश बाहर आ गया, और फिर ये एलिमेंट ए इनवर्स स्टार ए, ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज है, ये आइडेंटिटी आ जाएगा स्टार ए डैश, और फिर आइडेंटिटी एग्जिम से ये इक्वल टू ये ए डैश आ जाएगा। हमने कंसिडर करके चले ए इनवर्स और ये इक्वल टू है ए डैश, तो इनवर्स ए डैश ये दोनों बराबर है, दो इनवर्स लेके चले हम और दोनों बराबर है, तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं हमारा, देयरफॉर हैज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, तो किसी ग्रुप में इनवर्स यूनिक होता है। तो ये इनवर्स का जो हमारी प्रीवियस थ्योरम थी उसी की तरह ये दोनों थोड़ी सी यूनिकनेस की थ्योरम यूनिक प्रूव करने की है, एक इसका सेट पैटर्न है, ये हम इसको एक अनादर इफ पॉसिबल ये लैंग्वेज यूज करके और हम दूसरा उसका मानते हैं कि उन दोनों को बराबर इक्वल टू प्रूव कर देते हैं, तो ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये यूनिक है। ये हमारी इसकी नेक्स्ट थ्योरम। ये इसकी एक दो थ्योरम और देखते हैं हम ग्रुप की, तो वो नेक्स्ट वाले इसमें इसकी एक दो थ्योरम देखते हैं।